नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। 10 કલાકમાં રાજ્યના 163 તાલુકાની અંદર વરસાદ થયો છે। સાબરકાંઠાના પોશીનામાં સૌથી વધુ 2.5 ઇંચ વરસાદ થયો છે। નડિયાદ, મહેમદાબાદ, વસો અને કપરાડામાં પણ 2.5 ઇંચ વરસાદ થયો છે। 28 તાલુકામાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ થયો છે। છેલ્લા 2 કલાકમાં વસોમાં જ 2 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હોવાની જાણકારી છે। उत्तर अने मध्य गुजरात माटे आगामी 24 कलाक अत्यंत भारे भारी भारे वरसाद वरसी शके छे। बनासकांठा, साबरकांठा में भारे वरसाद नी आगाही। अरवली, पाटण में भारे वरसाद नी आगाही। पंचमहाल, छोटाउदेपुर में भारे वरसाद वरसी शके छे। गांधीनगर, अमदावाद, खेड़ा में पण भारे वरसाद वरसी शके छे। आवर्स में गुजरात रीजन में वाइड स्प्रेड रेन रहेगा और कहीं कहीं जगहों में भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है। मोस्टली जो अति भारी बारिश रहेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात यानी उत्तर गुजरात और सेंट्रल पार्ट ऑफ गुजरात में भारी बारिश होने का संभावना है। भारी बारिश जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना में हो सकता है। इवन छोटा उदयपुर में भी अति भारी बारिश होने का संभावना है और भारी बरसात रहेगा गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, इवन बड़ोदरा, आनंद को भी भारी बारिश हो सकता है। और साउथ गुजरात में वलसाड, दामन, दादरा नगर हवेली में भी भारी बारिश का संभावना है। तो भारेथी भारे वरसाद वरसी शके छे। आगामी 24 कलाक अत्यंत भारे छे। आ तमाम जिल्लाओ के जेमा भारी अति भारे वरसाद थशे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटण, गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहाल, छोटाउदेपुर, वलसाड अने अमदावाद। तो मोटा भागना उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरात ना जिल्लाओ छे। सौराष्ट्र, कच्छ में तेटली वरसाद ने लेने कोई आगाही करवामां नथी आवती। तो 22 जुलाई थी फरी आवी शके छे आफत। 23 अने 24 जुलाई थी भारेथी भारे वरसाद नी आगाही। सौराष्ट्र ने कच्छ में पण भारे वरसाद नी आगाही। दक्षिण मध्य गुजरात में वरसी शके छे भारे वरसाद। तो 22 जुलाई थी बीजो राउंड शुरू थशे। 23-24 जुलाई फरी एक वक्त कहर ने दृश्य जोवा मळी शके छे कारण के भारे वरसाद नी आगाही करवामां आवी छे। 22 को रेनफॉल एक्टिविटी गुजरात रीजन में बढ़ने का संभावना है। हो सकता है लाइट टू मॉडरेट मेनी प्लेसेस में और सौराष्ट्र कच्छ में स्कैटर्ड प्लेसेस में बारिश रहेगा, लेकिन 23-24 को भारी बारिश का संभावना है। भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश भी हो सकता है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी रूल्ड आउट। वडोदरा में वहली सवारथी वरसी रहेला वरसाद ने कारण विश्वामित्री नदी ना नीचाण वाला विस्तारों में पानी भराया। कारेलीबाग विस्तार में आवेली इंदिरानगर झूपड़पट्टी में पानी प्रवेश्या था। झूपड़पट्टी में रहता नागरिकों ना घरे पानी प्रवेश्यू। झूपड़पट्टी 150 वधु लोगों ने संत जलाराम शाला नागरवाड़ा खाते स्थलांतरित कराशे। हजी मैसेज एवा मळ्या छे के हजी पानी छोड़वामां आवशे एटला माटे पुलिस बंदोबस्त मुकवामां आव्यो छे के जेथी करीने लोको ब्रिजनी नजीक के पाणीनी नजीक ना जई शके। आ लगभग तो 150 जेवा हशे। हवे अत्यारे लिस्ट नथी आपणी पासे। ए संत जलाराम स्कूल छे नागरवाड़ाना नाका पर, त्यां आगळ ए लोकोने शेल्टर होम बनाव्या छे, त्यां आगळ ए लोकोने मोकलવામાં આવે। तो वडोदराना वाघोडिया तालुकाना खांदा गाममां पण पाणी भराया छे। गामना मुख्य रस्ता अने खेतरोमां भराया छे पाणी। पाणी भरावाने कारणे ग्रामजनोने हालाकी पड़ी रही छे, मुश्केलीओ जोवा मळी रही छे। खेतरमां पाणी भराता ट्रेक्टर पण डूब्या होवानी जाणकारी छे। जांबुआ नदी अने ढाढर नदीना पाणी गामोमां घुसी ગયા છે। આ તરફ વડોદરાના ધનિયાવી ગામ જવાનો રસ્તો પાણીમાં છે। સ્થાનિકોને અવરજવરમાં પડી રહી છે હાલાકી। એક સપ્તાહથી ભરાયેલા પાણીથી લોકો પરેશાન છે। 4 વર્ષથી વિસ્તારનો કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ થયો છે। પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને મગરનો ભય પણ સતાવી રહ્યો છે કે ગમે ત્યારે જે નદીઓમાં વડોદરામાં ખાસ કરીને મગરો જોવા મળતા હોય છે તે ગામમાં આ પાણી થકી ન આવી જાય તેને લઈને ચિંતા છે। तो डभोई में अविरत वरसाद ने पगले जलबंबाकार की परिस्थिति बाद हाल में उघाड़ निकलता नदी नाला खेतरो में पानी ओसरी रहा है।
परंतु चांदोद नवा मांडवानी सीम खाते नवनिर्माण थयेला रेलवे स्टेशन पासे पाणीना निकालनी व्यवस्था अभावे गरनाळू पाणीमां तरबोळ बन्यु छे। जे पाणीना निकालनुं आयोजन न थवाथी आसपासना खेतरोमां पाणी भराई वावेतरने नुकसान थवाथी खेडूतोने मोटो आर्थिक नुकसान वेठवानो वारो आव्यो छे। त्यारे सदर विस्तारमां सर्वेनी कामगीरी द्वारा खेडूतोने योग्य आर्थिक सहाय मळे तेवी मांग खेडूतो करी रह्या छे। વરસાદનું પાણી નીકળે એવી કોઈ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી નથી। સરકારને અમે રજૂઆત તો કરી છે પણ કોઈ જોવા આવ્યું નથી। રેલવેની આજુબાજુ લગભગ 150-200 એકર જમીનમાં આ નુકસાન છે।